अब देखते हैं हमारा प्रश्न 3 क्या कहता है। एक रेखाखंड AB, एक रेखाखंड है हमारा AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। इस पे हमारा क्या है, ये AB लाइन पे AD, ये वाली AD और ये वाली BC दो बराबर लंब है। जब भी एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब लंब हमारा डलता है तो ये वाले जो एंगल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के। तो क्या दर्शाना है कि CD रेखाखंड जो है हमारा, ये जो CD रेखाखंड है ये क्या कर रहा है, AB को समद्विभाजित करता है, ये हमें दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज OCB, और कौन कौन सा त्रिभुज, OCB और ODA में, इन दोनों त्रिभुज को लेना है हमें पहले। हमारे पास जो जो बराबर है वो यहाँ पर लिखेंगे पहले। अब हमारे इसमें क्या क्या बराबर है, BOC ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, आपको मैंने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ाया था शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण BOC बराबर कोण AOD, क्यों, क्योंकि ये क्या हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए। और क्या हमारे पास बराबर है, OBC कोण, OBC किसके बराबर होगा, कोण OBC हमारा कोण OAD के, क्यों बराबर होगा हमारा, क्योंकि ये दोनों क्या हमारे 90 डिग्री के, जब यहां पर लंब जा रहा था तो यहां पे लिख देंगे आप प्रत्येक 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है हमें, BC बराबर है DA के, तो आप यहां पे लिख देंगे BC बराबर है AD के, सॉरी यहां पर AD लिखना आपको, BC AD के बराबर क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है, तो यहां पे आप लिख लेंगे दिया है। अब हमने क्या देखा, दो हमारे कोण बराबर हो गए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और हमारी एक क्या भुजा बराबर हो गई, तो ये हमारा त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम, क्योंकि दो एंगल और एक साइड बराबर है, तो एंगल एंगल साइड वाले जो हमारी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अप्लाई होगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज OCB सर्वांग सम होगा त्रिभुज ODA के, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल साइड सर्वांग सम। तो जब हमारा ये सर्वांग सम हो गया तो CD क्या करेगा, AB को समद्विभाजित करेगा, तो यहां पे लिख देंगे बस, अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करेगा। करता है, ओके। अब क्या हमारा प्रश्न 4 क्या है, L और M दो समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों हमारी क्या है, दो समांतर रेखाएं LM, जिन्हें समांतर रेखाओं PQ का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। इन दोनों समांतर रेखा को, ये जो PQ हमारी समांतर रेखा है वो प्रतिच्छेदित कर रही है, प्रतिच्छेदित मीन्स इस पॉइंट पे काट रही है। तो हमें क्या दिखाना है, त्रिभुज ABC, ये जो ABC है वो CDA के क्या है, सर्वांग सम है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, इन दोनों में हमारे कौन कौन से एंगल बराबर है और कौन कौन सी भुजा बराबर है वो लिखते हैं पहले। तो हमारा जो BAC है, कोण BAC मतलब कि ये वाला कोण किसके बराबर होगा, हमारा कोण ACD के, यानी कि हमारा जो ACD ये वाला कोण है इससे बराबर होगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, 6th चैप्टर में आपने पढ़ा था, ये होती है हमारी एकांतर कोण की, तो आप लिख देंगे यहाँ एकांतर कोण, इसीलिए ये क्या हमारा आपस में बराबर है। तो हमारा एक कोण हमें बराबर मिल गया। अब हमारे पास क्या है इसमें, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, यही तो एक AC लाइन ऐसी है जो इन दोनों ही त्रिभुज में सेम है, यानी कि उभयनिष्ठ, तो आप लिख देंगे AC बराबर
एसी, और यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि उभयनिष्ठ भुजा। अब क्या बराबर होंगे हमारा, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए किसके बराबर होगा हमारे, डी ए सी के, डी ए सी, यानी कि जो हमारा ये वाला कोण है बी सी ए किसके बराबर है हमारा, डी ए सी की, ये भी सेम, ये वाला कोण इसके बराबर था, ये वो कोण इसके बराबर, तो ये भी तो एकांतर की प्रॉपर्टी होगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एकांतर कोण। और सर्वांग सम प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या क्या मिल गया, दो एंगल बराबर मिल गए, एक साइड भी हो गई हमारी बराबर, तो ये क्या हो गया हमारा, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, क्योंकि एंगल साइड एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होती है। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सीडीए के, क्योंकि एंगल साइड एंगल, ये वाली यहाँ पर सर्वांग समता है। अब हमारा प्रश्न फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। हमारी जो ये वाली रेखा एल इस कोण को दो भाग में डिवाइड कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब दो भागों में डिवाइड करती है तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। और क्या कहा है, बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। अब बी रेखा पर स्थित एल क्या है हमारा, कोई बिंदु है। बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। ये जो हमारा है बी पी और बी क्यू, ये क्या हमारा लंब, जब हमारा लंब होता है तो ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री, यानी कि ये भी आपस में बराबर होंगे, दोनों ही 90 है। तो हमें क्या कहा गया है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी, जो ये वाला त्रिभुज है इसके क्या होगा, सर्वांग सम होगा। और बी पी बराबर बी क्यू, यानी कि जो ये वाली लाइन है इसके बराबर होगी, ये दोनों हमें दर्शाना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए पी बी, और जो ये हमारे त्रिभुज सर्वांगसम जिन्हें प्रूफ करना हो वही हम यहाँ पर उठाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए क्यू बी में इन दोनों में क्या क्या बराबर होगा हमारा वो देखते हैं। ये वाला हमारा जो कोण है ए पी बी और ए क्यू बी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी, क्यों बराबर है, अभी मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन में कि ये दोनों ही क्या है 90 डिग्री के, जब लंब डाले जाते हैं तो हमारे 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, 90 डिग्री का, इसीलिए क्या होंगे, ये बराबर होंगे। और क्या क्या बराबर होंगे हमारे, जब ये एल रेखा हमारे इसको समद्विभाजित कर रही है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। तो पी ए बी कोण पी ए बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू ए बी क्यों बराबर होगा, क्योंकि जो हमारी एल रेखा, चूंकि एल रेखा कोण ए को समद्विभाजित करती है, अब हमारे क्या हो गया, दो एंगल बराबर हो गए हमारे। अब देखते हैं तीसरी साइड, देखते हैं ये क्या है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में ये जो रेखा है ए बी, ये हमारी उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये रेखा इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है इसमें भी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर ए बी, और क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। जब हमारे दो एंगल बराबर हो गए, एक साइड बराबर हो गई, तो त्रिभुज तो हमारा सर्वांगसम हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल साइड सर्वांगसमता। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, सेकेंड प्रूफ, हमारा सेकंड जो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। जब हमारा सर्वांगसम प्रूफ हो गया तो जो हमारी बीपी वाली लाइन है, यानी कि ये इसके बराबर होगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो आप क्या लिख देंगे, बीपी बराबर
बी क्यू लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ओके, अब हमारा प्रश्न 6 क्या है? AC बराबर AE, यानी कि जो हमारा AC है, ये वाला ये जो हमारी साइड है, ये इसके बराबर है। और क्या है? AB बराबर है AD के। और क्या हमारा AB, ये वाली जो है और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। और यह हमें कोण BAD, हमें देखना है BAD, यानी कि ये वाला कोण EAC, EAC ये कोण जो है हमारा इसके बराबर है। तो अब क्या देखना है हमें? दर्शाइए कि BC बराबर DE। हमें क्या दर्शाना है? जो हमारी ये जो BC लाइन है, BC लाइन किसके बराबर हो? DE के बराबर। तो कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? कोण BAD बराबर कोण EAC, इसको लिखेंगे दिया है। दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा? जब हमारा इस BC को इस DE के बराबर दिखाना है, तो अगर हम इस पूरे त्रिभुज को इसके बराबर सर्वांगसम प्रूफ कर दें, क्योंकि जब सर्वांगसम होंगे तो इनकी जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी, तो इसीलिए हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। ओके, तो इन दोनों में हम क्या करते हैं? सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए जो चीज़ दी हुई है उसके अलावा जो भी हमारी साइड्स है, कोण है, उन सब का यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों ओर कोण DAC को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर कोण DAC को जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहे हैं हम? क्योंकि हमें क्या करना है? सर्वांगसम प्रूफ करना, और इसके बिना सर्वांगसम हमारा प्रूफ नहीं होगा। तो लिखते हैं कोण BAD प्लस कोण, इसमें क्या कर रहे हैं हम? DAC को प्लस कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। और कोण EAC को हम किसमें प्लस कर रहे हैं? कोण DAC, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखेंगे ये जो हमारे दोनों एंगल हैं, ये हमारे किसके बराबर है? इसीलिए हमने ये प्लस किया था, क्योंकि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा उससे हम सर्वांगसम प्रूफ कर सकेंगे। BAD और क्या है हमारा? DAC, यानी कि ये वाला एंगल और ये जो इसका एंगल बन रहा है वो किसके बराबर होगा? BAC के ही बराबर होगा ना, क्योंकि ये दो छोटे छोटे एंगल इस बड़े एंगल के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कोण BAC बराबर। अब देखेंगे EAC, यानी कि ये वाला कोण, और DAC यानी कि ये जो छोटा कोण यहाँ पे बन रहा है, और ये दोनों कोण किस किस के बराबर होंगे हमारे? EAD। अब देखेंगे हम त्रिभुज BAC और त्रिभुज ADE में, क्योंकि हमें ये दोनों लाइन बराबर दिखानी है, तो इसलिए हम त्रिभुज BAC ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, और ADE ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ताकि इस जब हम इसको सर्वांगसम प्रूफ करें तो भुज अपने आप ही बराबर हो जाए। अब क्या है? इन दोनों त्रिभुज में हमारा क्या क्या बराबर है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। AB किसके बराबर है? भुजा AB, ये AB हमें दी हुई है, किसके बराबर है? AD के बराबर दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। और अभी हमने क्या प्रूफ करा? कि कोण BAC कोण EAD के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे BAC कोण EAD कि क्या है? बराबर। और क्या चीज दी हुई है हमें? जो ये वाली भुजा है वो इसके बराबर है, यहाँ से देखा था हमने अभी। तो हम क्या लिख देंगे इसमें? AC बराबर AE। तो जब हमारे ये बराबर आ गए, तो हमारा जो ये त्रिभुज है ये इसके सर्वांगसम हो गया। तो आप क्या लिख देंगे? त्रिभुज AC सर्वांगसम है त्रिभुज DAE के। कौन सी हमारी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे? साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे SAS सर्वांगसमता। जब हमारा सर्वांगसम प्रूफ हो गया, तो हमारी BC जो लाइन है वो DE के बराबर होगी,
ये वाली जो BC लाइन है वो इस DE के बराबर होगी, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो आपस में सर्वांग सम हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, BC बराबर DE, क्योंकि मैंने आपको बता रखा सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं।